वेलकम टू द संतोष नायर शो। संतोष नायर शो में आपका स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ पीपल, और आज मैं बात करने दो टाइप के पीपल जो मैंने जिंदगी में देखा है। एक वो बहुत कुछ अचीव कर पा रहा है और बहुत कम टाइम में अचीव कर पा रहा है, उसको हम बोलेंगे दोज हु आर मल्टीप्लाइंग टाइम। और एक बहुत कम अचीव कर पा रहा है क्योंकि ही इज मैनेजिंग हिज टाइम। सो एक होता है दोज हु मल्टीप्लाई देयर टाइम और एक होता है दोज हु मैनेज देयर टाइम। टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप टाइम को कभी मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि जो टाइम पे काम होना चाहिए था अगर वो काम नहीं हुआ तो टाइम तो आपके लिए रुकने वाला नहीं है। टाइम तो उड़ता हुआ पंछी है, आंखें निकल जाएगा। जो काम आपको 2 बजे करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, तो आपको उसकी वजह से जो अचीवमेंट मिलने वाला था और उससे जो फ़ायदा होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसके जगह पे आपको टास्क मैनेज करना चाहिए। जो टाइम मल्टीप्लायर होता है वो टाइम को नहीं मैनेज करता, वो टास्क को मैनेज करता है। ये मेरा टास्क है, ये टास्क को अभी मैं 10 घंटे में कर रहा हूँ, अगर यही टास्क को मैं 8 घंटे में कैसे कर सकूँ, हमेशा ये सोचते रहता है। यही टास्क को मैं 6 घंटे में कैसे करूँ, 2 घंटे में कैसे करूँ, 1 घंटे में कैसे करूँ, ये सोचते रहता है। टाइम मल्टीप्लायर यही देखते रहता है कि टाइम कहाँ पर जा रहा है, किस विषय पर जा रहा है, किस संदर्भ में जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कि जिसके साथ मैं टाइम बिता रहा हूँ इज दैट प्रॉफिटेबल, जिस चीज में मैं टाइम बिता रहा हूं इज दैट प्रॉफिटेबल, जिस कार्य में मैं टाइम बिता रहा हूं इज दैट प्रॉफिटेबल, और वो कार्य करने की क्षमता में अपने आप में बढ़ाता रहा हूं कि नहीं। यू नो, एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक सेल्स का बंदा है और आप जाते हैं यू नो 50 जन के पास और आपको एक सेल मिलता है और एक एक कॉल के लिए आपको 1 घंटा लगता है, तो 50 कॉल करने के लिए 50 घंटे लगे और एक सेल होता है, क्योंकि आपका रेशियो है 50:1। अब ये आदमी कितना भी मेहनत कर ले वे, ये लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो सेल्स को मैनेज करने की एबिलिटी है, सेल्स का टाइम को मैनेज करने, सेल्स की कैपेबिलिटी को मैनेज करने की क्षमता उसकी बहुत कम है। ऑन दी अदर साइड टाइम मल्टीप्लायर देखता है कि उसका नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कम टाइम में वो अपने विचारों को पेश कर सकता है। वो ये सोचता है टाइम मल्टीप्लायर कि कैसे मैं अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लेके आऊँ, कैसे मैं अपने कौशल्यों को बढ़ाऊँ, कैसे नई आदतें बिल्ड करूँ, और कौन सा स्ट्रैटेजी वापरने से और किस तरह का क्रिएटिविटी को वापरने से मैं अपने टाइम को कम खपा सकूँ और ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूँ। मुझे याद है कि अगर आप 50 घंटे लेते हैं और 50 आदमी को मिलते हैं और एक सेल आता है, टाइम मल्टीप्लायर ये सोचता है कि 40 आदमी के पास जाके 40 घंटे बिता के एक सेल कैसे ला सकता है, और फर्दर वो ये सोचता है कि 30 के पास जाके 30 घंटे बिता के एक सेल कैसे लेके आऊँ, और फर्दर वो ये सोचता है कि 10 के पास जाके 10 घंटे बिता के मैं एक सेल कैसे लेके आऊँ, और फर्दर वो ये सोचता है कि मैं 3 जन के पास जाके 3 घंटे बिता के एक सेल कैसे लेके आऊँ, और फर्दर वो ये सोचता है एक के पास जाके 1 घंटा बिता के एक सेल कैसे लेके आऊं, और जब वो एक आदमी के पास जाके 1 घंटा बिता के एक सेल लेके आता है तो उसे 50 जन के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक के पास जाके उसको एक सेल मिल जाता है। 50 के पास जाने से 50 घंटे होते हैं, एक के पास जाने के लिए 1 घंटा लगता है, 49 आवर्स का सेविंग वो टाइम मल्टीप्लायर ने कर दिया। टाइम मल्टीप्लायर इज कॉन्शियस अबाउट हिज टाइम, ही इज अवेयर अबाउट हिज टाइम, ही इज क्लियर अबाउट हिज टाइम, ही विल नॉट डू थिंग्स दैट ही इज नॉट सपोज टू डू, ही विल नॉट वेस्ट हिज टाइम। ऑन द अदर हैंड टाइम मैनेजर्स हमेशा ये सोचते हैं कि टाइम और मिलना चाहिए, टाइम और मिलना चाहिए। टाइम मल्टीप्लायर जानता है कि 24 घंटे और हर वो बड़ा काम, हर वो बड़ा आदमी ने जो किया वो 24 घंटे में किया बाय मैनेजिंग नहीं, बाय मल्टीप्लाइंग इस टाइम। तो आज का ये एपिसोड जिसमें मैंने दो टाइप के इंसान के बारे में बताया, एक जो टाइम मल्टीप्लायर है, एक जो टाइम मैनेजर है, ये दोनों का अंतर अभी आपको समझ में आ गया। अपने एजुकेशन को कंटिन्यूसली अपग्रेड कीजिए जिससे कि आप टाइम को मल्टीप्लाई कर सके। यही वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी बढ़िया प्रोग्राम लेके, और भी सुंदर एपिसोड लेके द संतोष नायर शो में मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए अलविदा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। This episode is brought to you by Smart Training and Consultancy Services Private Limited, True School for Entrepreneurs. Thank you for tuning into The Santosh Nair Show. To get more information about our company, products and services, go to www.smart.co.in or you can follow us on social media platforms to stay connected.